हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन एमयू में सीयूटी के थ्रू जिस भी स्टूडेंट का चाहे वो सेलेक्टेड लिस्ट में हो या चांस मोमो लिस्ट में नाम आया हो, उन स्टूडेंट्स का अभी काउंसलिंग को लेकर इशूज़ आ रहे हैं। हालांकि उसका सोल्यूशन बहुत सारे स्टूडेंट इवन कमेंट भी करा है कि उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। मैंने उसका कमेटी पोस्ट पर भी बता दिया है कि क्या सोल्यूशन है, मतलब कुछ नहीं है। जैसे सीयूटी का जो अप्लीकेशन नंबर है उसी की जगह पर आप रोल नंबर यूज़ कर लीजिए, और एमयू और अप्लीकेशन नंबर की जगह पर जो सीयूटी का जो अप्लीकेशन नंबर था उसका जगह पर आप रोल नंबर वाले सेक्शन में डालिए, और एप्लीकेशन नंबर के जगह पे आप एमयू का जो एप्लीकेशन नंबर बना था जब आपने फॉर्म फिल किया था तो एक एमयू का एप्लीकेशन नंबर मिला था वो डाल करके आप फिल कर सकते हैं। बाकी काउंसलिंग कहाँ से करना है आपको ये लिंक रहा है, इस पर आपको काउंसलिंग कर लेना है। मैंने काउंसलिंग पे वीडियोस बनाए हैं, मैं वो वीडियोस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप वाले बटन पे चले जाना है। याद रखें, जिन भी स्टूडेंट्स का मॉपअप लिस्ट में नाम आया था उनको पेमेंट करना था। ये रहा, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, रोल नंबर में सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और एप्लीकेशन नंबर भी एमयू का जो एप्लीकेशन नंबर आपने फॉर्म फिल करने टाइम बना है आपका वो डेट ऑफ बर्थ, और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर स्टिल कोई इशू आता है, हुआ ये था कि वेबसाइट को कल मतलब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं किया गया था, इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आया था। बाकी काउंसलिंग कैसे करना है मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। आप YouTube पे जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एमयू ऑनलाइन काउंसलिंग स्टूडेंट इन्फो, सिंपली हमारे चैनल का नाम मेंशन कर दिएगा तो हमने काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं। आप कोई भी वीडियो को देखिएगा आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा, जैसे आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इवन किसी एक को भी वीडियो देख लीजिएगा। फाइनली मैंने प्रोसेस वाइज बताया कि हाँ भाई आपको यहाँ पे मल्टीपल वीडियो दिख रहे हैं कि किसमें मैंने क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, तो यहाँ से बड़ा इजीली आप काउंसलिंग कर पाएंगे। ये काउंसलिंग वाले स्टूडेंट के साथ मैंने आपको बता दिया क्या सीन। अब इसके बाद अगेन एमयू की वेबसाइट पर आ जा रहे हैं। बाकी जो है अभी जैसे एक तो दो ही मतलब दो ही लोग का सबसे ज़्यादा अपडेट है। बैक टू बैक फिर से पहले एमयू की वेबसाइट पर आते हैं, उसके बाद एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर सिंपली सर्च करिए एंड देन इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। जहाँ तक रहा अभी ज़्यादातर कोर्स का फॉर्म लिस्ट 4 आ चुका है, और आपको उसको चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले फॉर्म लिस्ट पर जाकर चेक करेंगे। बाकी जो काउंसलिंग में शेड्यूल बताया गया ना उसी हिसाब से ही सीयूटी वाले कैंडिडेट का भी पेमेंट का डेट आएगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कोई बात अगर नहीं समझ में आता तो हमारा वीडियो देख लिया करिए, आपको आइडिया लग जाएगा, फिर कमेंट कर लिया करिए। बाकी कोर्स को लेकर जो अपडेट है मैंने दे दिया है। किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मिल सके। थैंक यू।